गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी बच्चे। नेक्स्ट वीक हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, जेम्स वॉट। जेम्स वॉट कौन थे, उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया, कैसे किया, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया था। तो वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 5, जेम्स वॉट। तो आज हम पेज नंबर 26, चैप्टर नंबर 6, सबसे तेज कौन, ये पार्ट पढ़ेंगे कि सबसे तेज कौन, क्या है इस चैप्टर का मतलब, इस कहानी में क्या है, हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, सबसे तेज कौन क्या है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ये जंगल है और जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं, सभी जंगली जानवर इसमें देख रहे हो, किस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, कोई सभा हो रही है और उस सभा में सभी जंगल के जानवर हैं और जंगल का राजा बैठा हुआ है। वहीं दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ दौड़ हो रही है, दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, लगता है शायद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है। पेज नंबर 26, चैप्टर नंबर 6, सबसे तेज कौन। ओपन योर बुक्स बेटा। सबसे तेज कौन, किसमें, जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे तेज कौन, किस बारे में बताया गया है। एक में ये जंगल का चित्र है, सभी जंगली जानवर हैं, दूसरे में दौड़ दिखा रखी है, तो शायद इसमें दौड़ का ही वर्णन है, दौड़ प्रतियोगिता का ही वर्णन है इस पाठ में, कि कैसे दौड़ हो रही है और उसमें कौन जीता कौन हारा, तभी इसका नाम सबसे तेज कौन, यानी सबसे तेज कौन दौड़ता है। एक दिन बैठे बैठे जंगल के राजा शेर के मन में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया, जंगल का राजा कौन था, शेर। उनके मन में एक प्रश्न आया, मन में एक सवाल आया कि यह देखना चाहिए कि जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है। क्या उनके माइंड में, उनके दिमाग में क्या प्रश्न आया कि मुझे यह देखना चाहिए कि जंगल में सबसे तेज, सबसे फुर्ती से कौन दौड़ता है। शेर ने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया और कहा, शेर का मंत्री कौन था, गीदड़। शेर कौन था, जंगल का राजा, और उसका मंत्री कौन था, गीदड़। किसका मंत्री था, शेर का। मंत्री जी, हमारे मन में एक प्रश्न है कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है, यह कौन, यह कैसे जाना जाए। शेर ने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया और उनको कहा कि मंत्री जी, हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हमें पता करना है कि हमारे राज्य में, हमारे जंगल में सबसे तेज कौन दौड़ता है, यह हम कैसे जान सके, कि इसका जवाब हमें कैसे मिले कि हमारे जंगल में सबसे तेज कौन दौड़ता है। गीदड़ बोला, महाराज यह तय करना तो बहुत ही आसान है। गीदड़ ने क्या कहा कि हे महाराज, यह बात पता करना तो बहुत ही आसान है, ये तय करना बहुत ही आसान है। हम एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। दौड़ प्रतियोगिता यानी रेस कंपटीशन, इंग्लिश में आप बोलते हो ना रेस कंपटीशन, तो उसे हिंदी में हम बोलते हैं दौड़ प्रतियोगिता। गीदड़ ने कहा कि महाराज यह तय करना बहुत ही आसान है, हम एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं या अरेंजमेंट करते हैं, आयोजित करते हैं। उस दौड़ में जो प्रथम आएगा उसे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाएगा। उस गीदड़ ने, उनके मंत्री ने क्या कहा कि हम एक दौड़ प्रतियोगिता रखते हैं और उस दौड़ में जो सबसे तेज दौड़कर प्रथम आएगा, यानी फर्स्ट आएगा, उसे हम सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर का खिताब दे देंगे, या उसको हम ये मान लेंगे कि पूरे जंगल में ये सबसे तेज दौड़ता है। किसने कहा, गीदड़ ने। किसको सलाह दी, किसको
उसके प्रश्न का उत्तर किसने दिया? गीदड़ ने। गीदड़ कौन था? शेर का मंत्री। शेर कौन था? जंगल का राजा। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। कौन सी बात? कि जो गीदड़ ने कहा था कि हम जंगल में एक दौड़ प्रतियोगिता रख लेते हैं और जो सबसे प्रथम आएगा, सबसे पहले आएगा, वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होगा। तो ये बात राजा को, राजा कौन था? शेर। उस शेर को बहुत पसंद आई। बस फिर क्या था, जंगल में एक दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी, जंगल में दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी होने लगी। राजा को गीदड़ का यह सुझाव बहुत ही पसंद आया और उसको बिल्कुल भी समय नहीं गवाते हुए उसने सारे अरेंजमेंट, सारा आयोजन करने के लिए उसने हाँ कर दी कि जंगल में दौड़ प्रतियोगिता होगी, आप सब लोग तैयारियां करो। निश्चित दिन दौड़ प्रारंभ हुई। जो उन्होंने टाइम डे डिसाइड कर रखा था, उस दिन दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, यानी शुरू हुई। बहुत सारी दौड़े हुई, बहुत तरह की दौड़े हुई। कोई स्पून रेस होती है या फिर कोई मेंढक रेस होती है, तो इस तरह की बहुत सारी उन्होंने दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कर रखा था। बहुत सारी दौड़े हुई थी। धीरे धीरे सभी जानवर दौड़ से बाहर हो गए। जैसे जो जो जानवर, आप भी हार जाते हो ना, आप भी तो कोई कंपटीशन करते हो, जैसे रेस लगाते हो स्कूल में, ग्राउंड में, घर पे, कोई भी रेस लगाते हो, तो उसमें अगर आप हार जाते हो तो उस रेस का हिस्सा नहीं बन पाते हो, आप उस रेस से बाहर निकल जाते हो। तो धीरे धीरे सभी जानवर दौड़ से बाहर हो गए। माइक म्यूट करो बेटा। अंत में बचे चीता और बारह सिंगा। लास्ट में कौन कौन बचा? चीता और बारह सिंगा, जिसके बारह सींग होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। माइक म्यूट करो, किसका ऑन है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। माइक म्यूट करो। जो आपके फोन में माइक है उसको म्यूट, उसको टच करो, जो म्यूट हो जाएगा। हाँ, अभी भी नहीं किया है एक ने। रेडमी फोन किसका है? नंबर नहीं आ रहा है इसमें। सभी जो जानवर हैं दौड़ से बाहर होते गए, यानी वो हारते गए और दौड़ से बाहर होते गए, दौड़ का हिस्सा नहीं बने। लास्ट में कौन बचा? चीता और बारह सिंगा। अब अंतिम दौड़ की तैयारी होने लगी। अंतिम दौड़, लास्ट वाली दौड़ की तैयारी होने लग गई। फिर आया दौड़ का दिन। उन्होंने फर्स्ट दौड़ करी, फिर सेकंड करी, फिर राउंड्स किए होंगे ना, जैसे आपके राउंड्स होते ना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, कौन उसमें जीता, कौन हारा। तो इस तरह से लास्ट में दौड़ की अंतिम तैयारियां, यानी लास्ट दौड़ की तैयारियां होने लग गई। फिर आया दौड़ का दिन, यानी फिर लास्ट दिन आया जिसमें फाइनल डिसीजन लेना था, फाइनल दौड़ का रिजल्ट आना था। हम किताब से पढ़ा रहे हो क्या आप? हाँ जी। इसके पास किताब है नहीं, यहाँ पे वहाँ पे झुंझुनू में है। कोई बात नहीं, सुनता रहेगा। माइक म्यूट कर लो आप। ठीक। उस दिन रविवार था। उस दिन क्या था? रविवार था, जिस दिन फाइनल डिसीजन लेना था, फाइनल दौड़ का दिन था। उस दिन कौन सा दिन था? रविवार था। जंगल की छुट्टी थी, जैसे आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, पापा के ऑफिस की छुट्टी होती है, वैसे जंगल की भी सबकी छुट्टी थी। सारे जानवर दौड़ के मैदान में इकट्ठा हो गए, जहाँ पे दौड़ होनी थी, डिसाइड हुई थी कि यहाँ पे दौड़ होगी। सभी जानवर वहां पर इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए। दौड़ एक बड़े नीम के पास से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? बड़े नीम के पास से। नीम का पेड़ था, वहां से
शुरू हुई। दोनों को मैदान में से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक जाना था। दोनों कौन, दो कौन थे लास्ट में, कौन बचे थे, दो चीता और बारह सिंगा। तो उन दोनों को कहां से दौड़ शुरू करनी थी, नीम के पेड़ से शुरू करनी थी, और दोनों को मैदान से होकर, जो ग्राउंड है वहां से होकर पहाड़ी, वहां पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, उस पहाड़ी के दूसरे छोर तक जाना था। दौड़ के अंत वाले स्थान पर गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया, जहां दौड़ का अंत वाला स्थान कौन सा था, पहाड़ी का दूसरा छोर, जहां पर लास्ट तक उन्हें दौड़ लगानी थी, वहां पर किसको खड़ा किया, गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया। गीदड़ कौन था, शेर का मंत्री, जिसने ये सलाह दी थी कि क्यों ना हम हमारे जंगल में एक दौड़ प्रतियोगिता करें, जिससे पता चल जाए कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है। तो वहां दूसरे छोर पर जहां अंतिम दौड़ का एंड था, वहां पर गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा कर दिया गया। खरगोश झंडा लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। कौन खड़ा था, खरगोश। झंडा क्यों, जैसे आप रेस लगाते हो, आप बोलते हैं ना रेडी स्टेडी गो, तो झंडे से वो ऐसे करके बोल के और उनकी दौड़ स्टार्ट हो जाती है। तो झंडा लेके कौन खड़ा था, खरगोश। कहां, नीम के पेड़ के नीचे। डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से। खरगोश झंडा लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडा हिलाते हुए कहा, रेडी स्टेडी गो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, आप भी खेलते हो ना, वैसे ही ये हमारे जानवर, जंगली जानवर भी खेलते हैं। तो उसने झंडे को हिलाया और कहा, रेडी स्टेडी गो, यानी तुम तैयार हो भागने के लिए, दौड़ लगाने के लिए। माइक म्यूट करो बेटा, बार बार ऑन क्यों हो रहा है आपका। गो सुनते ही चीता और बारह सिंगा दौड़ पड़े। जैसे ही खरगोश ने लास्ट में गो बोला, तभी चीता और बारह सिंगा तेजी से दौड़ पड़े। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। उत्साह से, आप भी हौसला अफजाई करते हो ना, जैसे कोई दौड़ लगाता है, अरे खरगोश जीतेगा, या आपका कोई दोस्त होता है, अमन जीतेगा, तालियां बजाते हो जोर से, अमन अमन ऐसे बोलते हो ना। तो वैसे ही वहां पे जो सारे जंगली जानवर जो जंगल के थे, एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे, तो वो भी उनका हौसला बढ़ा रहे थे कि चीता चीता चीता, या कोई बोल रहा था बारह सिंगा बारह सिंगा बारह, मतलब जो भी जीतेगा इनमें से जानवर, वो उनका नाम लिए जा रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे कि तुम अच्छा दौड़ रहे हो और तुम जीतोगे, उनका उत्साह वर्धन कर रहे थे। कोई चीते के साथ था तो कोई बारह सिंगा के साथ था। मैंने जो अभी बताया कि कोई चीता का नाम ले रहा था चीता चीता, कोई बारह सिंगा का नाम ले रहा था, तो और कोई तो चीते के साथ था, कोई बारह सिंगा के साथ था। बारह सिंगा कुछ ही देर में चीते से आगे निकल गया। जो बारह सिंगा है, आप फोटो में देख सकते हो, ये देखो ये चीता है और ये बारह सिंगा है, इसके बारह सिंग होते हैं इसलिए इसका नाम बारह सिंगा है। तो कोई जो जानवर थे, जो उनके दोस्त थे, कोई चीता के जानवर थे तो वो चीता चीता कर रहे थे, कोई बारह सिंगा के जानवर थे, दोस्त थे, तो वो बारह सिंगा कर रहे थे। और कुछ देर बाद में बारह सिंगा चीते से आगे निकल गया दौड़ में। लग रहा था कि वही जीतेगा, लग रहा था कि वही जीतेगा, वही कौन, बारह सिंगा, क्योंकि वो दौड़ में चीते को उसने पीछे छोड़ दिया था और खुद आगे निकल गया था। तो सभी को ऐसे लग रहा था कि चीता तो रेस हार जाएगा, दौड़ हार जाएगा, और बारह सिंगा जीत जाएगा। तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आया। दौड़ के जोश में वह उसे ना देख सका और उससे टकरा कर गिर गया। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आया, जब वो दौड़ लगा रहे थे, तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आया और उसने उस पत्थर को नहीं देखा और जोश जोश में आके दौड़ता चला गया और उस पत्थर से टकरा कर गिर गया। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग।
तो कौन, किसने नहीं देखा पत्थर को? बारा सिंगा ने नहीं देखा, वो जोश जोश में कि मुझे इससे आगे जाना है, मुझे इससे आगे जाना है। यस यस बेटा, शौर्य कुछ बोलना है? ओके। तो जोश जोश में उसने देखा नहीं कि रास्ते में पत्थर भी पड़ा है जिससे वो टकरा के गिर जाएगा। उसको बस एक ही जुनून सवार था कि मुझे ये रेस जीतनी है, और वो इसी चक्कर में आगे दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। उसने देखा नहीं और उस पत्थर से टकरा कर गिर गया। कौन गिर गया था? बारा सिंगा। स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना, जैसे आपके स्कूल में रेस होती है वैसे इन जानवरों की भी रेस हो रही है जंगल में। ठीक है, घायल होकर बारा सिंगा दर्द से तड़पने लगा, क्योंकि जब वो गिर गया था तो उसके चोट लगी, और चोट लगने से उसके सभी पूरी बॉडी में और जहां चोट लगी थी वहां दर्द हो रहा था, और वो दर्द के मारे कराह रहा था। घायल होकर बारा सिंगा दर्द से तड़प रहा था, बहुत दर्द हो रहा था उसको। चीता दौड़ भूलकर उसके पास रुक गया। जो चीता था जो उसके साथ दौड़ रहा था, क्योंकि अंत में ये दो ही जानवर बचे थे, चीता और बारा सिंगा, और दोनों की दौड़ हुई थी, और चीते को पीछे छोड़ दिया था किसने? बारा सिंगा ने। और वो अपने आगे दौड़ने की आगे बढ़ने की धुन में उसने पत्थर नहीं देखा बारा सिंगा ने, और पत्थर से टकराकर वो गिर गया, और उसको बहुत सी चोट लगी, और उस चोट से उसे दर्द हो रहा था। उसका वो दर्द उस चीते से देखा नहीं गया, और वह भी दौड़ता दौड़ता वहीं पर रुक गया। नहीं तो अगर वो नहीं रुकता तो सबसे आगे जाता भागकर और वहीं फंस जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका दोस्त था, वो उसका साथी था, उसके साथ में दौड़ लगाने वाला था। अकेले तो कोई भी फर्स्ट आ जाता है, दौड़ में तो जब बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें फर्स्ट आते हैं तभी मजा आता है। चीता दौड़ भूलकर उसके पास रुक गया, किसके पास? बारा सिंगा के पास। उसने बारा सिंगा को उठाया और उसे राजा तथा दूसरे जानवरों के पास उसने बारा सिंगा को उठाया और उसे लेकर राजा तथा दूसरे जानवरों के पास पहुंचा। उसने बारा सिंगा को उठाया जब वो गिर गया था, और वह उसको कहाँ ले गया? राजा और जहां पर दूसरे जानवर थे वहां उनके पास में उस बारा सिंगा को ले गया। कौन? शेर। चीते के साथियों ने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा, जो चीते के फ्रेंड थे दोस्त थे उन्होंने उसको कहा कि जा चीता तू तो दौड़ ले, तू ही फर्स्ट आएगा, अब तो ये बारा सिंगा के तो चोट लग गई है तो ये तो फर्स्ट आएगा नहीं, तू अकेला है, तू इस दौड़ में आगे बढ़ जा। मगर चीता नहीं माना, उसने कहा, चीता ने मना कर दिया कि मैं नहीं दौड़ूंगा, और उसने क्या कहा देखो, बहुत अच्छी बात है बेटा, मेरा मित्र घायल है, मैं ऐसी स्थिति में दौड़ पूरी नहीं करूंगा कि जो ये मेरा मित्र है, जो मेरा साथी है, जो मेरे साथ दौड़ लगा रहा था, कौन? बारा सिंगा, वो एकदम घायल है और इस अवस्था में नहीं है कि वो मेरा साथ दे सके, यहाँ तो ये घायल है और इसके घायल होने से मैं मेरी दौड़ पूरी नहीं करूंगा। राजा चीते के विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब राजा कौन था जंगल का? शेर। जब शेर ने चीते की ये बात सुनी, ये विचार सुना कि मेरा दोस्त तो घायल है तो मैं भी दौड़ नहीं लगाऊंगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा, राजा को बहुत अच्छा लगा, यानी शेर को बहुत अच्छा लगा। उसने चीते की पीठ थपथपाई और घोषणा की कि चीता हार कर भी जीत गया। राजा उसकी इस विचार से, उसकी इस बात से बहुत खुश हुआ, और उसने चीते की पीठ थपथपाई यानी उसको शाबाशी दी कि ये बहुत अच्छा प्रतियोगी है, यह हार कर भी जीत गया। चाहे तो वो जीत सकता था, अकेला दौड़ में आगे भाग कर लास्ट पॉइंट तक पहुंच सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके मित्र को चोट लग गई थी, वो घायल हो गया था, वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। तो राजा ने घोषित कर दिया, शेर ने घोषित कर दिया, पूरे जंगल में घोषणा कर दी कि चीता ही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है।
तो इस पाठ में यही था, यही सारांश था कि जंगल में सभी जानवर रहते थे। एक दिन शेर के मन में विचार आया कि मेरे को क्या पता चलेगा कि मेरे जंगल में इतने सारे जानवर हैं और कौन सबसे तेज दौड़ता है, उसे क्या पता चलेगा। तो वो इस कंफ्यूजन में था, सोच में था कि क्या करें, कैसे पता लगाएं कि मेरे जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है। तब उसने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया और गीदड़ ने उसको सलाह दी कि महाराज आप परेशान मत होइए, आप एक दौड़ प्रतियोगिता रखिए जिससे आपको पता चल जाएगा जो दौड़ में प्रथम आएगा वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होगा। और उस दौड़ में सभी जानवरों ने भाग लिया, अपना अपना पूरा सहयोग दिया। धीरे धीरे दौड़ आगे बढ़ती गई और जैसे जैसे जानवर हारते गए तो वो दौड़ से बाहर होते गए। लास्ट में कौन बचा? चीता और बारहसिंगा, दो जानवर बचे जो उनका फाइनल डे था। उस दिन उनकी वापस से दौड़ हुई और उस दिन रविवार था। सभी जानवर इकट्ठे हुए और उनकी दौड़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी? नीम के पेड़ के नीचे से। और कहाँ तक जाना था उनको? मैदान को पार करके, मैदान को क्रॉस करके, ग्राउंड को क्रॉस करके उन्हें पहाड़ी के दूसरे छोर तक जाना था। और वहां पर कौन कौन खड़े थे? गीदड़ और उसके साथी। तो सबसे पहले तो चीता दौड़ में आगे जाता जा रहा था, आगे भागता जा रहा था, पर कुछ देर बाद में बारहसिंगा ने उसे पीछे छोड़ दिया और खुद आगे हो गया। उसे पीछे छोड़ने की होड़ में उसने ये नहीं देखा कि मेरे रास्ते में क्या पड़ा है, जबकि उसके रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। वो दौड़ में इतना पागल हो गया कि उसने उस पत्थर को नहीं देखा और उससे टकराकर वो गिर गया और घायल हो गया। जैसे ही वो गिर गया तो चीते ने भी दौड़ बंद कर दी और उसके पास में जाकर रुक गया, उसकी सहायता करी और उसे राजा और सभी जानवरों के पास में ले गया। सभी उसके दोस्तों ने, चीता के दोस्तों ने कहा कि तुम अपनी दौड़ पूरी कर सकते हो, दौड़ पूरी कर लो, तुम जीत जाओगे, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दोस्त का साथ दिया, उसका सहयोग किया मुसीबत के समय में कि जब मेरा दोस्त ही घायल है तो मैं नहीं दौड़ूंगा। और अंत में राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने पूरे जंगल में घोषणा कर दी कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। तो इस पाठ के ये शब्दार्थ दिए गए हैं, ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं। पहले तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आपको एक जब भी आप नोटबुक में काम करते हो आपको फॉर्मेट बनाना है ऐसे, फॉर्मेट बनाना है सभी को और उसमें लिखना है दिनांक, चैप्टर का नाम, सब कुछ लिखना है। पहले हम लिखेंगे दिनांक, जिस दिन आप काम करते हो उस दिन की डेट लिखनी है आपको, दिनांक। डेट जो होती है उसे हिंदी में बोलते हैं दिनांक। दिनांक क्या है? जैसे आप आज काम कर रहे हो तो 9 सितंबर, 9 सितंबर आज की दिनांक है 2021। चाहे तो पूरा आप 2021 लिख सकते हो या 21 लिख सकते हो, ओके? फिर आप लिखोगे पाठ, पाठ नंबर कौन सा है? पाठ नंबर 6। क्या नाम है पाठ का? सबसे तेज कौन। यहाँ पे पाठ का नाम लिखोगे सबसे तेज कौन। ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ वापस से लाइन खींचोगे और जिस दिन आप काम कर रहे हो जो भी डेट है, डे है, वो डे लिखना है। जैसे आज गुरुवार है, गुरुवार लिखोगे। सभी चीज आपको हिंदी में लिखनी है, हिंदी की नोटबुक में काम कर रहे हो तो सभी हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में कोई नहीं लिखेगा। और फिर गृह कार्य कर रहे हो यानी घर पे कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो यहाँ लिखोगे गृह कार्य। समझ में आया सभी बच्चों को? ये फॉर्मेट हर चैप्टर के फर्स्ट में होना चाहिए, जो भी चैप्टर आप लिख रहे हो। फिर यहाँ पे आएगा आपका टॉपिक, जैसे शब्दार्थ लिख रहे हो तो यहाँ पे आप शब्दार्थ लिखोगे।
ओके शब्दार्थ लिख रहे हो। अब यहाँ पे शब्दार्थ लिख के यहाँ वन नंबर लगाओगे जहां आपकी लाइन है, इसमें लिखोगे नंबर, सबको लगाना है 1 2 3 जितने भी आपके शब्दार्थ हैं वो लगाने हैं। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता किसको कहते हैं? परीक्षा। या स्पर्धा, फिर है नंबर 2 आयोजन, प्रबंध, आयोजन मतलब प्रबंध करना। नंबर 3 छोर, छोर यानी सिरा। नंबर 4 रेडी, रेडी मतलब तैयार रहना। इंग्लिश का शब्द है बच्चों ये। नंबर 5 उत्साह, उत्साह यानी जोश के साथ, पूरे जोश के साथ, जोश। घोषणा, ऐलान, जो जोर से बोलकर करते हैं। तो इस तरह से आपको, चाहे आप शब्दार्थ करें या प्रश्न उत्तर करें, आपको ये चैप्टर नया शुरू करोगे तो आपको ये लिखना है, फिर शब्दार्थ लिखने हैं, फिर उसके नीचे आप प्रश्न उत्तर स्टार्ट कर देना। एक चैप्टर में, हर चैप्टर में ये आपको बनाना है। ओके, फिर है पेज नंबर 28, प्रश्न नंबर क, भाषा बोध में। जो बुक वर्क है वो आपको बुक में ही करना है, प्रश्न उत्तर शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं। तो पहला प्रश्न है, शेर का मंत्री कौन था? चीता, गीदड़ या भालू? कौन था शेर का मंत्री? गीदड़। गीदड़ पर टिक का निशान लगाओ। फिर है नेक्स्ट, अंत में कौन कौन दौड़े? चीता और शेर, चीता और बारासिंगा, चीता और खरगोश। तो चीता और बारासिंगा। लास्ट में ये दो ही बचे थे ना। अब है प्रश्न ख, मौखिक प्रश्न, शेर का मित्र कौन था? कौन था शेर का मित्र? मित्र नहीं, सॉरी, मंत्री। शेर का मंत्री कौन था? शेर का मंत्री गीदड़ था। ठीक है, प्रश्न 2, घायल होकर दर्द से कौन तड़पने लगा? घायल होकर दर्द से बारासिंगा तड़पने लगा। तो ये दोनों प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब है ये गे वाला, हम लास्ट में करेंगे, पहले हम लिखेंगे, ये करेंगे प्रश्न के व्याकरण वाला जो सबसे लास्ट वाला है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाओ। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें बहुवचन बनाने हैं।
तो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है तैयारी, तैयारियां, तो इसी तरह से हमें और करने हैं, पट्टी, पट्टियां, बच्ची, बच्चियां, गिलहरी, गिलहरियां, दौड़, दौड़े, गेंद, गेंदे, पतंग, पतंगे, मिल, मिले, तो ये प्रश्न क्या है, पूरा हो गया है, लिख सकते हो आप बोर्ड पे से। अब है प्रश्न गै, जो हमने छोड़ दिया था ऊपर के लास्ट में करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, जंगल के राजा शेर के मन में क्या प्रश्न उठा, क्या प्रश्न उठा, ये आपके चैप्टर में ही है, पेज नंबर 26 पर। ये देखो पेज नंबर 26, यहाँ से हमारे मन में एक प्रश्न है कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है, यह कैसे जाना जाए, ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। फिर है प्रश्न नंबर दो, मंत्री ने राजा को क्या सलाह दी, क्या सलाह दी थी, इसी के जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में है, हम एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, उस दौड़ में जो प्रथम आएगा उसे सबसे तेज दौड़ना दौड़ने वाला जानवर माना जाएगा, ये उत्तर नंबर दो है। फिर है प्रश्न नंबर तीन, जंगल में किसका आयोजन, मैडम चल रही है, जंगल में किसका आयोजन हुआ था, जंगल में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। फिर है प्रश्न नंबर चार, अंतिम दौड़ में कितने जानवर बचे और कौन कौन, जब लास्ट में दौड़ हुई थी तब कितने जानवर बच गए थे दौड़ लगाने के लिए, दो, अंतिम दौड़ में दो जानवर बचे और कौन कौन थे, और वह थे चीता और बारहसिंगा। नंबर पांच, चीते ने दौड़ पूरी करने को मना क्यों किया, क्यों किया, ये देखो इसी पेज पे है, पेज नंबर 27 पर, उसने कहा था ना, मेरा मित्र घायल है, मैं ऐसी स्थिति में दौड़ नहीं करूंगा, दौड़ पूरी नहीं करूंगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 29 पर फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया गया है सेकंड, ये आपको कंप्लीट करना है बुक में ही, बुक में ही कंप्लीट करना है, और इस चैप्टर के आपको शब्दार्थ करने हैं, प्रश्न उत्तर नोटबुक में करने हैं, बुक वर्क बुक में ही करना है। और सभी को ऑल द बेस्ट, सभी स्टूडेंट्स को, कल आपका हिंदी का टेस्ट है, सबकी तैयारी अच्छे से, yes, ma'am, सबको याद होगा ना, दो दो ही चैप्टर दिए मैंने, ज्यादा चैप्टर नहीं दिए, हाँ, yes, ma'am, अच्छे से तैयारी करना है, सोच समझ के आपको उसके आंसर देने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, और टाइम का ध्यान रखना है सभी बच्चों को, जो भी उसमें टाइम मेंशन है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना होगा पेपर, लेट होगा तो बेटा वो, वो वैलिड नहीं होगा, लेट आपका आएगा तो आंसर, इसलिए टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, और जो रिटन पेपर है उसमें सबकी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, और जो आंसर आप लिखोगे उसके करेक्ट नंबर आपको लिखने हैं, अगर फर्स्ट का आंसर है तो फर्स्ट ही लिखना है, सेकंड का है तो सेकंड, ये नहीं है आप लिख रहे हो फाइव का लिख रहे हो वहाँ पे वन, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और अच्छी तैयारी कीजिए आप, ऑल द बेस्ट वंस अगेन।
बाय 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 बाय।